नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मिथुन राशि वालों, कब होगी आपकी भावनाओं की कदर और जीवन में इतनी ठोकरें आपको क्यों मिलती है? आखिर सफलता के दो राज कौन से हैं? कब खुलेगी किस्मत के ताले? तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहें। और यह प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मिथुन राशि वाले बुध की राशि है, बड़े बुद्धिमान होते हैं, लेकिन क्या करें, दिल के हाथों मजबूर हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा खूबसूरत आंखें अगर किसी की होती है तो मिथुन वालों की होती है। सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होने के साथ एक खामी भी है, अक्सर दुविधा के शिकार हो जाते हैं, दो राह पर भटक जाते हैं और यही चीज़ें आपको सही तरीके से आगे बढ़ने ही नहीं देती। आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन लगता है जैसे अंत समय में सब कुछ पाकर भी आप गलत डिसीजन ले लेते हैं और यही चीज़ें आपके लिए रॉन्ग नंबर हो जाती है। फिर आप सोचते हैं भला हमारे साथ ही ऐसा क्यों। तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करें? देखिए, एक बात आपके साथ लाइफ में हमेशा ही होती है और वो ये है कि आपके बुद्धिमान होने के साथ हर किसी का हेल्प करने वाले होते हैं। चाहे आपका ऑफिस हो, आप व्यापारी हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले, बहुत ही मिलनसार, हसमुख, चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट, आंखें ऐसी कि जैसे अभी बोल पड़ेंगी, इतनी खूबसूरत तरीके से आपका अंदाज होता है कि बरबस ही सबको आप अपनी तरफ खींच लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने इस खूबसूरत हंसी के पीछे छिपे हुए दर्द को किसी और को नहीं बताते, न जताते और अक्सर इस मुस्कुराहट में छिपे हुए दर्द को भले ही कोई नहीं पहचाने लेकिन आपका जो भावनात्मक रूप से हर किसी के साथ आप जल्दी जुड़ जाते हैं, ये चीज़ें आपको परेशान कर देती है। हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा करना और भरोसा टूटना, ये आपके साथ हमेशा होता रहता है, तो इनसे आपको तो बचना ही चाहिए। अब यहाँ पर वायु तत्व की राशि है और वायु तत्व का मतलब क्या है? हवा का मतलब होता है फैलाव, विस्तार, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जो मिथुन वाले होते हैं, इनके जीवन में आकस्मिक रूप से सब कुछ होती है, अच्छी चीज़ें, गड़बड़ चीज़ें, बस सब जो भी होगा आकस्मिक, धीरे धीरे आगे बढ़ना, ये सभी चीज़ें नहीं होती, जो होता है सब कुछ अचानक से और ये एकदम से सरप्राइज्ड हो जाते हैं, ये क्या हुआ। तो मिथुन राशि वाले बुद्धि से ज़्यादा जो सोची जा सके ऐसी राशि है मिथुन राशि और इनके तरफ विद्यमान कोई भी नहीं है। लेकिन क्या करें, भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कभी किसी को मिलता ही नहीं। आपकी ढैया अप्रैल 2022 में ख़त्म होगी और वहाँ से थोड़ी सी सुकून मिलना शुरू होगी, लेकिन अभी जो उतरती हुई ढैया चल रही है आपकी, ये आपके जीवन में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ाया हुआ है, संघर्ष बढ़ाया हुआ है, इनसे बाहर आपको निकलना होगा। पर कैसे? देखिए, जीवन में संघर्ष हर किसी के है लेकिन जब ढैया व्यक्ति के जीवन में आता है तो डर जाते हैं, पता नहीं क्यों आया लाइफ में, क्या करके जाएंगे। शनि महाराज आपके लिए शनि कितना इम्पोर्टेंट है ये भी बताएंगे, लेकिन एक बात हमेशा ही याद रखिए, जब भी ढैया आता है ना तो व्यक्ति को अपनों और परायों में पहचान करना सिखा देता है, अपनों और परायों में भेद करना सिखा देता है। ये बताता है कि अब समझ लाओ कि आपको जीवन में अगर तरक्की करना है तो आंखें बंद कर भरोसा करना बंद करो और रिश्ते कौन से सच्चे हैं, कौन से नफा नुकसान देखने वाले, ये भी बता जाता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि अभी आप कुछ ऐसा ही आपके जीवन में हो रहा है। तो ढैया लाइफ में आता ही इसलिए है लेकिन एक खामी भी होता है, आपके वैवाहिक जीवन में टेंशन बढ़ा देता है, रिश्तों में दूरियां बढ़ा देता है, माता पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां डाल देता है, आपके नौकरी रोजगार में समस्याएं खड़ी कर देता है। लेकिन जैसे ही आप इस ढैया से, अब जैसे उतरती हुई ढैया है, तो धीरे धीरे ये चीज़ें अब सुकून देने लगेगी, अब टेंशन कम होने लगेगा और ये चीज़ें 100% सत्य है। अब आपका राशि का स्वामी बुध है, बुध बुद्धि का स्वामी है,
अब यहाँ पर आप वायु तत्व की राशि और बुध की राशि, इसका मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान। तो मिथुन मिथुन वाले जो होते हैं ना, आकर्षण की राशि हैं, और ऐसा ज्योतिष कहता है कि 90% मिथुन वाले आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। इनको एक बार पलट कर लोग देखना पसंद करते हैं। इनकी आंखें सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है, और हर समय सही समय पर सही जवाब देना, सटीक जवाब देना इन्हें आता है। चंचल होते हैं थोड़े, लेकिन होते हैं एकदम से परफेक्ट। कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इनके जीवन की एक ही कमजोरी है, और वो है दो रास्ते पर भटक जाना, कंफ्यूजन हो जाना। इनसे बचने के लिए लाइफ टाइम सही मैनेजमेंट के लिए आपको हनुमान जी के शरण में रहना चाहिए। या तो हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें, या फिर हर शनिवार की शाम पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का एक मुखा दिया जला दें। दो में से कोई भी एक काम कर लें तो जीवन में जो दुविधा है, जो आप हमेशा ही दोहरा पर भटक जाते हैं, हमेशा ही आप जो लापरवाही और दुविधा के शिकार होते हैं, ये सभी चीज़ें कम हो जाएगी, बंद हो जाएगी। लेकिन मिथुन वाले धोखा भी बहुत खाते हैं। धोखा आखिर क्यों और कैसे? देखिए, जो मिथुन राशि है ना, बुध की राशि भले ही है, बुद्धिमान भले ही है, लेकिन संपत्ति प्रॉपर्टी के मामलों में ये धोखा ज़्यादा खाते हैं। आंखें बंद कर किसी पर भरोसा ना करें। संपत्ति प्रॉपर्टी और वाहन के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें, क्योंकि यही चीज़ में आपको धोखा ज़्यादा मिलती है। अपना वाहन है किसी और के नाम से ले लिए, जल्दी मिल रहा था, अपना कागज़ क्लियर नहीं था, ये चीज़ें छोड़ दें। संपत्ति प्रॉपर्टी है किसी और के नाम से, अपने नाम से कीजिए, नहीं तो यहाँ भी धोखा खाएंगे। कई बार क्या होते हैं ना, लड़के नए नए जॉब में जाते हैं, बहुत पैसे कमाते हैं, तो थोड़ा भाई बहनों के नाम से कर लिए, थोड़ा माता पिता के नाम से कर लिए, अपने नाम से कुछ नहीं करते। थोड़ी लाइफ स्टाइल, हमें आपसे बहुत प्यार है, तब यहाँ पे आप फंस जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई बहनों को छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन इस मामलों में आप धोखा खाते हैं तो आपको समझना है। तो अब क्योंकि आपके ढैया चल रही है, तो चलिए ढैया से संबंधित बातें। देखिए, काला रंग मिला जुला हुआ फल देता है आपके लिए। कभी कभी दुर्घटना का कारक भी काला रंग ही बनता है, इसलिए ज़्यादा काला रंग मत पहनिए आप, वरना एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आपको ज़्यादा परेशान करेगी, हड्डियों की समस्या परेशान करेगी, आँखों की समस्या परेशान करेगी। तो काला रंग थोड़ा कम ही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। कर सकते हैं पर कम, बहुत कम, जितना ज़्यादा हो उतना कम, कभी कभी पहन लीजिएगा। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं आपके ऊपर ढैया चल रही है, और यहाँ पर शनिदेव जो है ना, वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे? देखिए, शनि यहाँ पर यश देते हैं, मान बढ़ाते हैं, और मुकदमेबाजी में अपयश भी देते हैं, यानी अभी आपको बहुत संभल के रहना है। जब भी शनिदेव की ढैया या साढ़े साथी चल रही है, तो अक्सर देखा गया है कि मिथुन वाले अपयश के, कलंक के शिकार हो जाते हैं, बेवजह आपको लोग फंसा देते हैं। तो इनसे बचिए, शनिदेव के शरण में रहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।